और आप सभी का स्वागत है. दिस इज प्रियांक शर्मा लाइव ऑन द वॉन्डरिंग थर्मो. एंड या आज हम हैं डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी में. सो नाउ वी आर गोइंग टू द वेजिटेबल फार्म. तो आज हम आपको जर्नी पे ले चलेंगे, एक छोटी सी जर्नी पे जो है वेजिटेबल फार्म की. एंड उसके बाद देन वी विल मूव टू फ्लोरिकल्चर फार्म एंड देन मॉडर्न फार्म. तो बने रहिए और मेरे साथ है मेरे दोस्त साहिल. तो इस जर्नी का पूरा आप मजा उठाएंगे. एंड नाउ वी आर गोइंग. नाउ यू कैन सी फ्लोरिकल्चर फार्म के पास. और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर, यू कैन सी राइट बिहाइंड मी द फ्लावर्स. पेंसी लगा हुआ है एंड देयर वैरायटी ऑफ फ्लावर्स. आजकल समर सीजन चला हुआ है एंड यू कैन सी द ब्यूटी अराउंड बिहाइंड मी. सो आप कभी भी आए तो इस फार्म को प्लीज विजिट करें. पीछे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट. Now we are here at the vegetable farm and मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त लगे हुए हैं कैप्सिकम. और यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं फील्ड में. और ये ट्रायल है बच्चों के द कैप्सिकम. हेयर यू कैन सी द मल्चिंग, क्लासिक मल्च. और ये है वेजिटेबल फार्म हमारा, ये मेरे दोस्त. सो अगर आप देखें यहाँ पर, आप कभी विजिट करें तो आप यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, एक्जॉटिक भी हैं. और जो भी यहाँ ट्रायल लगता है वो ऑल फॉर द फार्मर्स. इट्स फॉर द फार्मर्स टू इंक्रीज योर इनकम्स एंड द न्यू टेक्नोलॉजी. क्योंकि जो भी हमारे आजकल जो पॉपुलरिटी चली हुई है वो है नेचुरल फार्मिंग एंड विद ऑर्गेनिक फार्मिंग. बट यू कैन विजिट दिस फार्म फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड या टू नो अबाउट द वेजिटेबल्स ग्रोइंग. देख सकते हैं ये लगी हुई हमारी सैलरी. इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ. इट्स हैव अ वेरी गुड प्रॉपर्टीज. एंड पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जॉटिक वेजिटेबल्स भी लगे हैं इस फार्म में. एंड दे ऑल आर द ट्रायल्स ऑफ अवर स्टूडेंट्स. यू मस्ट विजिट एंड यू मस्ट सी देयर हार्ड वर्क. एंड या इस वक्त हम आप आगे ले चलेंगे जहाँ पर और भी ट्रायल लग रहे हैं. एंड नीचे आपको हम सीधा ले चलेंगे टोमेटो फील्ड में. अब हम नीचे को ले चलते हैं. तो आजकल टमाटर and Solan is very well known for the tomato city. Yeah, आप tomato district बोल सकते हैं. यहाँ पर सबसे ज़्यादा production होती है with 56-58%. And मेरे पीछे यहाँ trial लगा हुआ है. You can see ये नए तरह की staking है जिसमें डोरियाँ बांधी जाती हैं, डोरी system बोलते हैं. और पीछे ये देखिए mulching भी हुई हुई है. तो ये देखिए एक और अभी field में trial लगने वाले हैं. तो यहाँ पर थोड़े दिन में ही plowing होने की. तो please watch and wait. We will go to now modern farm after this. काफी अच्छा शेड बनाया गया है. और ये देखिए जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स. नाउ अ डेज यहाँ पर गर्मी बहुत होती है तो यहाँ रेस्ट करने के लिए, काम करने के बाद जो भी यहाँ पर जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं. और यहाँ से व्यू देखिए आप. इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम दिस साइड एंड हियर वी हैव द वेजीज अराउंड. ऑलेरिकल्चर भी कहा जाता है. एंड यू कैन सी द वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स अराउंड. डू विजिट. और अब हम पहुंचे हैं इस वक्त एग्री इंक्यूबेशन सेंटर पे. इंक्यूबेशन से ही आपको पता चल रहा होगा. हियर वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ एग्री इंक्यूबेशन सेंटर फॉर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट बाय द कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री. एंड हियर यू हैव अपॉर्चुनिटी. आप अपना आइडिया लेके आए, इन्हें बताएं. इफ़ यू वांट टू डू स्टार्टअप इन एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, सो यू हैव वैरायटी ऑफ थिंग्स जैसे आमला, बहेरा, तुलसी, रोजमेरी. दे आर वैरायटी ऑफ एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट जिनकी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज भी होती हैं. दे हैव अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, दे हैव अ वेरी गुड प्रॉपर्टीज एंड वेरी गुड फॉर हेल्थ टू इंक्रीज अवर इम्यूनिटी. तो प्लीज़ आइए और कोई भी अपना एक आइडिया लेके आए और इनोवेटिव अप्रोच के साथ प्लीज़ डू विजिट दिस एग्री इंक्यूबेशन.
एंटोमोलॉजी के फार्म पर जहाँ पर चला है सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती। और आजकल आप देख ही रहे होंगे कि प्राकृतिक खेती पर भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रही है, इसीलिए बजट में भी अलग से इसके लिए प्रावधान दिया गया है। और हिमाचल में भी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत यहाँ पर काफ़ी सारे लाखों किसान अब प्राकृतिक खेती से जुड़ रहे हैं, जिसमें हम जीवामृत, बीजामृत और साथ में अग्निअस्त्र का उपयोग करते हैं। एंड दिस इज ऑल बीन द जीरो लागत, जिससे दिस इज पेस्टिसाइड फ्री, फर्टिलाइजर भी नहीं यूज होते, घर में बनाई गई परंपरागत ये सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। आजकल ना फील्ड प्रेपरेशन चली है, पीछे हमारे जितने भी वर्कर्स हैं दे आर हार्ड वर्किंग राइट नाउ। इस वक्त समय शाम का है, बारिश भी होने वाली है, बट स्टिल दे आर एट फार्म। यहाँ बीजामृत जीवामृत बनाकर उसके बाद यहाँ स्प्रे होगा आने वाले टाइम में, जो भी यहाँ पे एक ट्रायल लगेगा किसी भी स्टूडेंट का। तो प्लीज डू विजिट दिस फार्म, राइट बिहाइंड मी यू कैन सी अ प्लेंटी ऑफ बिग फार्म एंड यहाँ पर परंपरागत हमारी प्राकृतिक खेती। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा रोड है, कितने अच्छी, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्म, ये देख सकते हैं आप, सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट्री का है ये वाला, यहाँ फॉरेस्ट्री का फार्म है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्री इम्प्रूवमेंट, यहाँ तरह तरह के ट्राइब्स लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको व्हाइट टैंकी दिख रही है। और ये देखिए हमारा पॉन्ड जहाँ से पानी लिया जाता है यहाँ पर जितनी भी हमारी क्रॉप लग रही है उनके लिए। हालांकि आज बारिश का मौसम है तो इन्हें नेचुरली वाटर मिलने वाला है। और अब हम इसके बाद नीचे को तब चलेंगे, तो ये देखिए हमारा एक और ब्लॉक आ रहा है, तो ये हमारा कीवी फ्रूट का ब्लॉक है इस समय यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखिए साहब, यहाँ ट्रायल लगे हुए एग्रो फॉरेस्ट्री के, तरह तरह के एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम आप देख सकते हैं। और रोड पे कंस्ट्रक्शन चली हुई है, तो इट्स बीइंग वेरी नाइस हियर। ये हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री का फार्म। एंड आगे सॉइल साइंस का भी डिपार्टमेंट है, तो सॉइल साइंस वाला है वो भी आने वाला है, तो प्लीज अवर यूनिवर्सिटी सॉइललेस हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जहां पर सॉइललेस कल्चर में हाइड्रोपोनिक टेक्निक के द्वारा हमारी जितनी भी सब्जियां हैं, सम वेजिटेबल्स, स्ट्रॉबेरी, यहां पर ग्रो की जाती हैं आप देख सकते हैं अंदर। एंड इट इज़ अ वेरी ट्रांसफॉर्मिंग वर्टिकल फार्मिंग एंड वेयर वी हैव अ ग्रेट सिस्टम टू फॉर द सस्टेनेबिलिटी एंड टू इंक्रीज आवर फूड सिक्योरिटी। फॉरेस्ट्री जब आती है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को हम जोड़ के देखिए, यहाँ पर एक सिस्टम आपको दिख रहा होगा यहाँ पेड़ों के बीच में। यहाँ पर देखिए ट्री स्पीसीज जो हैं वो है टर्मिलिनिया चेबुला और सेपिंडिस म्यूकोरेसी एंड मिलिया कंपोसिटा। और स्पेसिंग आप देख सकते हैं, और ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं यहाँ पर लगी हुई इनके साथ, यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग का एक आप अच्छा एग्जांपल और टू सस्टेनेबल ऑफ द लाइवलीहुड यहाँ पर ये देखिए सिस्टम यूज होता है। और ये देखिए ट्रायल लगा हुआ है, अभी यहाँ प्लोइंग हुई है, तो कुछ टाइम में यहाँ पर भी ट्रायल लगेगा किसी स्टूडेंट का। एंड इट्स ऑल फॉर अवर फार्मर्स, एंड यहाँ से ये एक्सटेंशन जाती है हमारी रिसर्च, और वहाँ से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी रिसर्च है वो जाती है सीधा फार्म्स तक फॉर द फार्मर्स। एंड यू हियर यू कैन सी बात आती है कम स्पेसिंग की, एंड इफ यू वांट टू फॉर अ ग्रेटर यील्ड और आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, तो हियर वी हैव नाउ द इंप्रूविंग द न्यूट्रिएंट एंड वाटर प्रोडक्टिविटी फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द फूड प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश। हाई डेंसिटी प्लांटेशन और यहाँ पे कुछ वराइटीज पॉलिनाइजर और रूट स्टॉक है जिनकी स्पेसिंग आप देख सकते हैं पीछे कम्स 22.5 into 2। एंड हियर वी हैव जीरो माइन सुपर चीप ब्रेड बिलॉक्स गेल गाला। तो आप जब विजिट करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ सिस्टम मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कहीं कहीं रूटिंग भी आ गई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कितने कितने छोटे प्लांट्स हैं ड्वार्फिंग रूट स्टॉक्स पर लगे हुए। एंड हियर वी हैव यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तारे लगी हुई हैं, करंट मारती हैं, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टू सी बैक देयर, दिस फार्म इज बीन वेरी ब्यूटीफुल। एंड या वी आर हेडिंग टूवर्ड द सस्टेनेबिलिटी एंड दिस टेक्नोलॉजी इज रियली इम्प्रेसिव, वेयर यू कैन गेट good yield in a small area and you can increase your farm income. So please do visit this farm and get the knowledge. Floriculture. Floriculture, the flowers growing. और high-tech floriculture farm यहाँ पर आगे आप अंदर देख सकते हैं, यहीं पर हमारे procure होते हैं हमारे off-season flower cultivations होती हैं, rose हो गया, carnation, exotic flowers हो गए, astomeria, variety of flowers to tulip to everything from the winter to annual. And this is our floriculture department
हाईटेक फार्म। अभी हम अंदर आपको ले चलेंगे किसी दिन, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज भी है एंड देयर यू कैन सी द सिस्टम। यहाँ देखिए आप बाहर, काफ़ी अच्छा सिस्टम, यहाँ एसी सब कुछ लगा हुआ है फॉर द सस्टेनेबिलिटी। एंड हियर वी हैव द पॉपुलर ट्रीज, यू नो वेरी वेल नोन फॉर द प्लाईवुड, फॉर द मैस्टिक मेकिंग एंड फॉर वराइटी, आपकी पेंसिल तक। ये देखिए एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम एंड हियर वी हैव कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। तो प्लीज लास्ट में हम पहुंचे हैं अपना नेस्ट कैफे, जहां पर आपको शाम को हमेशा बच्चे बैठे हुए दिखेंगे। आफ्टर टायर्ड डे, आफ्टर सो हेक्टिक डे, रिसर्च वर्क सब्जेक्ट ELP, यू कैन सी बिहाइंड माय फ्रेंड्स एंड देयर वी हैव, एंड दिस इज एंड ऑफ द डे। होपफुली यू हैव लव दिस एंड एंजॉय दिस ब्लॉग एंड जरूर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो ये था आज का फार्म विजिट एंड वी विल डेफिनेटली बैक यू टू वंस मोर जर्नी, और उसके साथ मेरे साथ होंगे मेरी फ्रेंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड, विल राइट बैक।